नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है जो BBMQ धनबाद से पढ़ रहे हैं। चाहे आप BA के स्टूडेंट है, BSc के स्टूडेंट है या BCom के स्टूडेंट है, चाहे आप MA के स्टूडेंट हो, MSc के स्टूडेंट हो या MCom के स्टूडेंट है, चाहे आप किसी भी फैकल्टी या आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ या फाइनल सेमेस्टर के भी स्टूडेंट क्यों ना हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के द्वारा कल ही एक बैठक हुई थी। उस बैठक में आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे महत्वपूर्ण न्यू डिसीजंस लिए गए हैं जो डिसीजंस आज से पहले BBMQ धनबाद के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं आपके एग्जाम्स से रिलेटेड, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप BBMQ धनबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद से रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्स कब कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है 31 जुलाई तक लॉकडाउन की वजह से सारे कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, यानी अब 31 जुलाई तक कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। हाँ, 15 अगस्त के बाद आप लोगों का एग्जाम्स कंडक्ट कराया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 15 अगस्त के बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। कुछ दिन बाद ऑफिशियली इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्स किस तरीके से होंगे। देखिए, आप सभी को पता है इससे पहले आप लोगों का जो भी सेमेस्टर में आप थे, आपका दो एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता था, एक इंटरनल एग्जाम और एक एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम कॉलेज में कंडक्ट कराया जाता था, मगर एक्सटर्नल एग्जाम्स बाहर के किसी केंद्र पे एक जगह तय किया जाता था, एक कॉलेज को फिक्स किया जाता था, आपको एक्सटर्नल एग्जाम्स को बाहर जाकर के देना पड़ता था। लेकिन अब नोवल कोरोना वायरस COVID-19 को देखते हुए कल ही यह महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है कि अब जो आप लोगों का एग्जाम होगा उस एग्जाम्स के लिए आपको बाहर किसी कॉलेजेस में ना जा करके आपको होम सेंटर, जी हाँ, आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं आपको उसी कॉलेज में जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। यानी आपको आपके एग्जाम्स जो है वो आपके होम सेंटर में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिस कॉलेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक हैं, अगर ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो एक ही कॉलेज में होम सेंटर में एग्जाम्स लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो, जिसके वजह से होम सेंटर में उन सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं लिया जा सकता है, तो ऐसे कॉलेजेस के लिए उन कॉलेजेस के आसपास में जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यानी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उस जगह पे, जैसे आपके कॉलेज के बगल में अगर कोई स्कूल है तो उस कॉलेज के बगल में जो आपका स्कूल होगा उस स्कूल में आप लोगों का एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। यानी आपका जो एग्जाम होगा वो आपके होम सेंटर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बात करते हैं ये जो एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा ये किस पैटर्न में होगा। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा साइंस के स्टूडेंट का। चाहे आप BSc कर रहे हो या चाहे आप MSc कर रहे हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले एग्जाम आप ही लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा। साइंस का एग्जाम कंडक्ट करा लेने के तुरंत बाद, साइंस का एग्जाम कंडक्ट होते ही तुरंत बाद आर्ट्स वालों का एग्जाम लिया जाएगा। चाहे आप BA कर रहे हो या MA कर रहे हो, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आपका फैकल्टी, आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, तो साइंस के बाद आर्ट्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आर्ट्स के तुरंत बाद कॉमर्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी इतना कंफर्म है कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक बार कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का, इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बात करते हैं, आप लोगों का जो एग्जाम्स होगा उस एग्जाम्स का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को भी कम कर दिया है। जैसे कि आपका पहले जो एक्सटर्नल एग्जाम होता था वो एग्जाम पहले 3 घंटे का कंडक्ट कराया जाता था, मगर आप 3 घंटे की जगह आप लोगों का एग्जाम 2 घंटे का होगा। यानी कि फर्स्ट सिटिंग 9 से 11 बजे तक होगा और दूसरा सिटिंग 1 से लेकर के 3 बजे तक होगा। अब सवाल ये आता है, अगर एक्सटर्नल एग्जाम का जो टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड को कम कर दिया गया है, तो क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होंगे?
सके। जी हाँ, जैसे कि 3 घंटा के लिए जहाँ पहले अधिक क्वेश्चन पूछा जाता था, वहीं अब 2 घंटे के लिए कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आप लोगों का एग्जाम का टाइम पीरियड घटेगा और टाइम पीरियड के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी घट सकता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी एक गाइडलाइन तैयार करेगी, उसी की गाइडलाइन के बेस पे आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। जिस दिन आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसी दिन आपके कॉपी को चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि आप सभी लोगों का एग्जाम जुलाई महीने में ही कंडक्ट करा दिया जाए और उसका रिजल्ट तुरंत ही सितंबर महीना में डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि नोवल कोरोना वायरस की वजह से जितना भी टाइम का लॉस हो रहा है उस लॉस को रिकवरी किया जा सके, जिससे स्टूडेंट लोगों का सही समय पे उन लोगों की जो डिग्री है वो डिग्री कंप्लीट हो सके। आगे डिस्कस करते हैं तो यूनिवर्सिटी ये भी कहती है कि आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्स कंडक्ट हो सकते हैं। देखिए, पहला एग्जाम अगस्त महीना में होगा, मगर लॉकडाउन के वजह से या तो फिर कोरोना के वजह से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों का एग्जाम अगस्त महीना में छूट सकता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो अगस्त महीना में अपना एग्जाम नहीं देख सकते हैं या जिनका एग्जाम अगस्त महीना में छूट जाता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगस्त महीने के बाद एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी अगर किसी स्टूडेंट का अगस्त में एग्जाम छूट भी जाता है तो उन लोगों के लिए अगस्त के बाद एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, आप उस समय भी अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं। बट मेरा आप लोगों का सजेशन है कि अगर आप लोग सक्षम हैं तो अभी ही अगस्त महीना में जो एग्जाम्स होगा उसी समय आप लोग अपने एग्जाम्स को जरूर दे दें। फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स होने वाली है अगस्त सितंबर के बाद, इन फ्यूचर्स आगे जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे उसके लिए यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि सारे एग्जाम्स ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराए जाए। इसके लिए यूनिवर्सिटी एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर रही है, उस एंड्रॉयड ऐप के द्वारा सारे एकेडमिक कार्य, सभी एग्जाम से रिलेटेड कार्य और सभी इम्पोर्टेंट प्रोसेस और सारे इम्पोर्टेंट वर्क उसी एप्लीकेशन के बिहाव पे किया जा सके। इन फ्यूचर शायद हमें विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए एक एंड्रॉयड ऐप देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं यूजी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए, तो बता दूं 20 जुलाई से आप लोगों का एग्जाम फॉर्म भरा जाने वाला है। 20 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आप लोगों का विदाउट लेट फाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना है, यानी आप लोगों का जो एग्जाम फॉर्म होगा वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ऑनलाइन जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को संभाल के रखिएगा, फ्यूचर में आपको वो ओटीपी आपको एडमिट कार्ड निकालने में वो ओटीपी काम देगा। आज जो मैंने आपको जितनी भी जानकारियां दी, ये जानकारी कल ही विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में मुख्य रूप से परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, डीन, प्रतिकुलपति, साथ साथ अन्य सभी डीन मौजूद थे। उन सभी लोगों की मौजूदगी में ही आपके एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आप सजेस्ट हो तैयार हो जाएं, अपने घरों में रह के एग्जाम्स के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। आप लोगों का एग्जाम हो सकता है 15 अगस्त के बाद तुरंत आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे तरीके से ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।